आपके जज्बात जो है खान साहब को लेकर बहुत ही अच्छे हैं और बदला लेगा भाई, बदला लेगा। वो कहता है खान ने अपने को खुद गोली मारी है, बस वो तो वक्त पे असर करेगा। खान साहब जिस तरह डर देगा इंशाल्लाह उसके मुताबिक काम करेगा। बोल लगा अपना वैसे प्रोटेक्टर लगा लोगों का खान साहब। अस्सलामुअलैकुम, आज हम कमर्शियल मार्केट में हैं और यहाँ पे हम लोग हकीकी आज़ादी मार्च की कैंपेन करने आए हैं। तो हम आज यहाँ पर लोगों से उनका इजहार राय भी पूछेंगे और मैं ये दिन अपना रिपोर्टर्स की तरह स्पेंड करूँगी। खान का हाँ फिर ये नहीं, आपने अभी 5 साल कमाएंगे तो आपने नाते आना है यहाँ। जरूर जरूर इंशाल्लाह जरूर आएगा। क्या महंगाई वगैरह जो है क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बाली में सस्ता होना चाहिए। खान साहब हिसाब किताब करेगा बैठेगा तो इंशाल्लाह। और देखा खान साहब ऐसा हिसाब किताब करेंगे ना इन सबको बुलाएंगे साथ है। खान लाला जो गोलियां मारी हैं खान साहब को, और क्या कहना चाहेंगे? बदला लेगा भाई, बदला लेगा। वो कहता है खान ने अपने को खुद गोली मारी है, बस वो तो वक्त पे असर करेगा। खान साहब जिस तरह डर देगा इंशाल्लाह उसके मुताबिक काम करेगा। ये तो नहीं उसका मैं असर छोड़ेगा। अब खान के साथ इंशाल्लाह बिल्कुल असर होगा और दावेदार भी होगा, जिम्मेवार भी खान साहब का होगा। हाँ ये हमारा उसूल था भी इंशाल्लाह गुजारेगा। खुश को खानों का असूल खान के साथ हम ऑलरेडी बस ठीक है ना, अपने खान के इंतजार करेंगे इतने। हाँ क्या अच्छा, हम लोग यहाँ पे हकीकी आज़ादी मार्च के लिए आए हैं और कैंपेन कर रहे हैं। आप क्या बताना चाहेंगे कि डू यू लाइक खान साहब? यस आई लाइक नज़रिया खान साहब को, मुझे पसंद है। आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान। और अभी जब खान साहब आएंगे अपनी मार्च के साथ, आप आएंगे पूरा हूँ मैं इंशाल्लाह। मैं देख रही थी कि इनके फोन में जो है खान साहब का इन्होंने वॉल पेपर लगाया है, तो वो लगा प्राइवेसी प्रोटेक्टर लगा है लोगों का खान साहब। इसका तो फॉलोअर भी हूँ मैं आपका। अच्छा दैट्स रियली नाइस, थैंक यू। मेरा मैं टॉप पोस्ट कर दूँ। अच्छा थैंक यू, इट्स रियली नाइस। हम लोग ये जो निकले हैं ना अपने मुल्क की खातिर निकले हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने भी निकलना है अपने बच्चों की खातिर, अपने मुस्तकबिल। तो यहाँ पे खैर हम लोग आए हैं और लोगों के जज्बात जो है खान साहब को लेकर बहुत ही अच्छे हैं और लोग खान साहब को वापस से पीएम देखना चाहते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा महंगाई से तंग भी आए हैं। और लेट्स सी बाकी आवाम क्या कहती है। अगला वज़ीर आज़म इमरान खान हो, अगले 10 साल या 20 साल भी वो इस मुल्क के लिए तो बेहतर है। चोर तो नहीं है ना, लूटने वाला तो कोई नहीं है। आप लोगों ने लाजमी आना है जब खान साहब के साथ। जी जी क्यों नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। उसके धरने में भी जाएंगे, जब तक वो रहेगा तब तक हम उसी के साथ रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। जी तो हम कैंपेन भी कर रहे हैं और साथ साथ थोड़ी थोड़ी शॉपिंग भी हो रही है। विंडो शॉपिंग है, लेनी इन्होंने है नहीं है कोई चीज़ें, तो शॉपिंग के ही बहाने अब हकीकी आज़ादी का पैगाम देंगे। मतलब लोगों का खान साहब से प्यार और मोहब्बत देखे कि आई एम जस्ट सो इमोशनल, लोगों का खान साहब से प्यार देखकर आई डोंट हैव वर्ड्स। लेकिन खैर अभी खान साहब आएंगे, आप लोग आइएगा, अपनी फैमिली को भी लेके आइएगा। हमारे खान साहब इंशाल्लाह 18 तारीख तक आ जाएंगे और रावलपिंडी से उनका काफिला गुजरेगा, आप सब लोग रखें। थैंक यू सो मच
जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आए हैं कमर्शियल मार्केट में पलवशा अब्बासी के साथ। तो ये पलवशा अब्बासी बताएंगे कि हम क्यों आए हैं। जी मैडम, हम क्यों आए हैं कमर्शियल मार्केट? हम यहाँ पे हकीकी आज़ादी मार्च की कैंपेन के लिए आए हैं और हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि खान साहब यहाँ पर आ रहे हैं और हम उनसे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है उसके बारे में उनके क्या जो है राय है और जो खान साहब है उनके बारे में उनकी क्या राय है। चले आए और वो हमारी हकीकी आज़ादी मार्च में जो है करेंगे पार्टिसिपेट या नहीं करेंगे। चलो आप हम आवाम से उनकी राय जानते हैं। तो इन केस आपका अगर माइंड चेंज होता है और अगर आप कहते हैं कि मैंने वापस से खान साहब को सपोर्ट करना, तो आप हमारे मार्च में तो ये नहीं है, मैं खान साहब के बारे में अभी ट्राई रखता हूँ। सौ में से कितने फीसद समझती हैं कि लोग मार्च में आएंगे? 90% लोग जो है वो उनको ऑलरेडी वैसे पता भी है कि खान साहब जो है आ रहे हैं और वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि कब खान साहब आएँ और कब ये लोग।